2019 नवंबर में जब राम मंदिर का फैसला सुनाया जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या कहा, क्या कहा? कहा यही कि ये आजादी के पहले का मामला चल रहा था, बाकी सारे मामलों पे हिंदुस्तान में जहां जमीन के नीचे, क्योंकि जमीन के नीचे खोदेंगे तो बहुत कुछ इनको मिलेगा, ठीक है, इनके लोगों का सुनिए, नहीं 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 मान गए कि मंदिर मिलेगा, कांग्रेस और के विवाद है, महाकाल के मंदिर के नीचे, महाकाल के मंदिर के नीचे, मैं मूर्खों से देखिए बात नहीं करने आऊं, एएसआई ने कहा कि बौद्ध कालीन मूर्तियां मिली तो कल बौद्ध धर्म के लोग जाएं, इसीलिए कहा, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद के जो मामले एज इट इज रहेंगे, इसी में कहा कि जो जहां वर्षी जैसे चलती थी, जैसे नमाज चलती, इसको चलने दीजिए। डिबेट लगातार जारी रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि एक बार जब इस तरीके की किसी प्रकरण की शुरुआत हो जाती है, जी जी, तो उसका फिर कोई अंत नहीं है, फिर वो फिर एक बार शुरू हो गया तो उसका कोई अंत नहीं। अभी मेरे भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस भी कहा, अयोध्या केस में मैं 1990 से लेकर 2019 से लगातार वकील रहा, शांत बीच मत बोलिए, 2019 तक मैं उसमें लगातार वकील था, और अयोध्या फैसले से कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, अयोध्या फैसले में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप को डील किया है, परंतु ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आगे कोई बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदू धर्म में आइडल का क्या रूप होना चाहिए और आइडल की क्या महत्ता है, हिंदू देवता क्या महत्ता है, ये बताया है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, जहाँ जहाँ भी विवाद है, चाहे वो मथुरा हो चाहे धार हो, वहाँ पर आप पहुँच रहे हैं और इस पूरे मसले पर जो है आपकी भी नज़र बनी हुई है बतौर वकील, और आप उसमें कहीं ना कहीं शामिल भी हैं, इसका अंत क्या है, क्योंकि एक बार इस तरीके से जिसे शुरुआत हो गई, और जो तमाम बड़े जानकार हैं उनका यही कहना है कि एक बार आप शुरू करेंगे तो अंत तो होगा नहीं, बस माहौल बिगड़ेगा। देखिए, ये कायरता की बात है, और हिंदू कायर न था न हो सकता है, अगर हमारे मंदिर तोड़े गए तो अनुच्छेद 29 में लिखा है कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको पाने का हमको हक है, और आर्टिकल 25 में जो धार्मिक अधिकार है वो कभी खत्म नहीं होता। 1991 के एक्ट का महत्व खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है टोटल, जो कैसे खत्म हो जाता है, जो कैसे खत्म हो जाता है, जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है उन पर वो एक्ट लागू नहीं होगा, कि मस्जिद वही हो सकती है जो कि स्वच्छ जगह पर बनी हो, अगर मंदिर तोड़ के बनी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हुई, और कह दीजिए, दिखवा दीजिए, नहीं मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बताइए। वर्शिप एक्ट के बारे में एक विषय को और भी मैं मित्रों के समक्ष रख देता हूं, आर्टिकल 254 के तहत ये समवर्ती सूची का विषय है, कोई भी विधानमंडल इसको महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजकर संस्तुति प्राप्त कर लेता है तो इस कानून का विसर्जन हो जाएगा, अतः इसका निष्प्रभावी, अगर लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से है तो तमाम वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी की तमाम राज्यों में सरकारें और इसका विसर्जन करा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्नीस सौ इक्यानवे का वर्शिप एक्ट समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, और इसको आर्टिकल 254 के तहत ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, और ये क्या मैं कह रही हूँ, यहाँ दो चीज है, कहिए देखिए, दो चीज है, अभी इन्होंने कहा बुलाइए अंकल जी को, हेलो अंकल जी आएंगे, आप अपनी बात कीजिए, इन्होंने ये कहा कि जो हेरिटेज कल्चर है, जो कल्चरल है, उसको हमको पाने का अधिकार है, ये एक तरफ तो कहते हैं कि वो मंदिर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है वो मंदिर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हेरिटेज कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, ये दो तरह की बात कर रहे हैं, ये जो विश्वनाथ मंदिर के आसपास के लोगों का कारोबार समाप्त करने के लिए, ये कहीं ना कहीं से वित्त पोषित होकर लोगों को बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं ये कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, भाजपा ने क्यों नहीं कर रहा है, बदलाव क्यों नहीं, मैं ये साफ कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने घरों में जिसमें मंदिर थी बेच करके, ये बेच के चले गए, उसमें मंदिर थी उसको बेच के ये चले गए, मैं उस मंदिर में दर्शन किया हूँ, बेच के चले गए पैसे के लिए, ये पूरे शहर के
जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो ताना बाना है, उसको बर्बाद करने के लिए आप लोग बनारस की संस्कृति यहाँ के ताने बाने को बर्बाद कर रही है, आरोप समाजवादी पार्टी का। अगर हम बर्बाद करते तो दोबारी हमारी सरकार कैसी आती? बर्बाद तो ये कर रहे थे, पाकिस्तानियों का पक्ष लेकर, दंगाइयों का पक्ष इन्होंने लिया, गद्दारों का पक्ष इन्होंने लिया, और नतीजा क्या निकला? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। और 10-20 साल ये नहीं आने वाले हैं, ये दंगाई है, ये दंगा कराने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको कहां से सरकार आने वाली है? ये एक दल का विशेष का काम करते हैं। ABP News आपको रखे आगे।